शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को मिलाकर एक कर देती है, जहाँ पे मैं और तू होता ही नहीं है, जहाँ पे सब कुछ हम होता है। हम इंसान भी बहुत अजीब है ना, बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं पर छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। बहुत महंगी शादियां करनी है, दुनिया को दिखाना है, बहुत बड़ा घर लेना है, हनीमून के लिए विश्व भर में घूमना है, पर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना तो भूल ही जाते हैं। हाँ अच्छा है आप सब कुछ करें, पर क्या फायदा उन सब का जो आप ये सब करके भी अपने जीवन साथी के चेहरे पे मुस्कान ना ला सके, उसे खुश ना कर सके। शादी कोई एक दिन का त्योहार नहीं होता, शादी एक कसम है सारी जिंदगी साथ निभाने की, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की और सारी जिंदगी एक दूसरे को प्यार देने की, एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की। शादी में सात कस्में ली जाती हैं। वैसे तो ये कस्में, ये वचन लड़की लड़के से मांगती है, पर वास्तव में ये वचन दोनों के लिए है। शादी का पहला वचन, पहली कसम ये होती है कि जिंदगी के हर काम की शुरुआत, हर अच्छे और शुभ कार्य की शुरुआत एक साथ करेंगे। जरूरी नहीं है जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तब आप अपने जीवन साथी को उसमें इन्वॉल्व करें। हर छोटी चीज में, हर छोटी खुशी में आप दोनों एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, एक साथ मिलकर शुरू करें। जब तक दो लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं चल रहे, अलग अलग अपनी दिशाओं में ही जा रहे हैं, तो वो दोनों एक ही मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। शादी की दूसरी कसम, दूसरा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी लिमिट, अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक दो लोग एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कहां से आएगी। कितनी ही बातें हम सुनते हैं कि शादी के बाद लड़की को उसके पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ गलत बोला जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। अब ऐसे में उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए, उसकी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट कहां से आएगी। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे नहीं तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगी कैसे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट जरूर करें। शादी की तीसरी कसम, तीसरा वचन ये होता है कि जिंदगी के आखिरी पल तक दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हर एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए तो बात डाइवोर्स तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है। कौन निभाता है ये कसम। शादी का मतलब ही यही है, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो हम एक दूसरे का हाथ और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी की चौथी कसम, चौथा वचन ये होता है कि दोनों साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे, दोनों साथ मिलकर घर को संभालेंगे। पति पत्नी दोनों चाहें तो पैसा कमा सकते हैं और पति पत्नी दोनों चाहें तो घर का काम भी कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जब वो दोनों एक ही हैं तो कौन छोटा और कौन बड़ा। जब आप किसी को अपने से छोटा या बड़ा बना रहे हो तो आप उसे खुद से अलग कर रहे हो, लेकिन जब दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं तो क्या छोटा क्या बड़ा, दोनों साथ मिलकर अगर हर काम करेंगे ना तो आपकी शादी और आपकी जिंदगी दोनों बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। शादी की पांचवी कसम, पांचवा वचन, दोनों जीवन साथी कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से जरूर पूछेंगे। जब आप दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है तो आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे किसी बड़े खर्चे को लेकर के हो। दोनों जीवन साथी को एक दूसरे से पूछकर ही कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। शादी की छठी कसम, छठा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की इंसल्ट कभी नहीं करेंगे और खास करके लोगों के सामने तो गलती से भी नहीं। रिस्पेक्ट और सम्मान ऐसी चीज है जो पति पत्नी के बीच बहुत सारा प्यार भर देता है। जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है ना वहाँ प्यार भी नहीं टिक पाएगा। जब आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तभी आपकी जिंदगी में प्यार बढ़ता रहेगा। शादी की सातवीं कसम, सातवां वचन ये है कि दोनों जीवन साथी अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे स्त्री या पुरुष को कभी नहीं आने देंगे और एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मानेंगे। जब ना एक पति पत्नी के बीच कोई तीसरा स्त्री
या पुरुष आ जाता है तो उस रिश्ते में दरार आ जाती है, शक आ जाता है और अक्सर वो रिश्ते टूट भी जाते हैं। शादी से पहले हो सकता है आपके कुछ गहरे मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो, पर जब आप शादी करते हैं तब आपकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, उन मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो उसके साथ आपके रिश्ते में भी दरार आ जाती है और कई बार आपका रिश्ता भी टूट जाता है। शादी की ये 7 कस्में, 7 वचन हजारों साल पुराने हैं, पर आज भी उतना ही यूजफुल हैं, आज भी उतना ही जरूरी है। शादी का ये मतलब नहीं है कि किसी को बड़ा घर दे देना या महंगी ज्वेलरी दिला देना या महंगे कपड़े दिला देना या उसको दुनिया भर की चीजें लेके देना या उसको दुनिया भर में घुमा के लाना। हाँ, ये सब अच्छा है, करना चाहिए, पर इससे आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप किसी का दिल तब जीतते हैं जब आप उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, उसके छोटे छोटे दुख पे, छोटी छोटी खुशी पे आप ध्यान देते हैं, जब आप उस पे अटेंशन देते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है और किस बात से उसे दुख पहुंचता है, उसकी खुशी किस में है और उसका दर्द किस में है। जब आप ये सारी बातें समझकर उस इंसान को हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को हर छोटी छोटी खुशी देने की कोशिश करते हैं, तब आप उस इंसान का दिल जीतते हैं। ये मत समझ लेना कि आपकी किसी से शादी हो गई तो आपने उसका दिल जीत लिया है। नहीं, दिल ऐसी चीज है ना, आपको इसे हर दिन सारी जिंदगी जीतना होता है। हर दिन अपने जीवन साथी को स्पेशल फील कराना होता है कि वो आपकी जिंदगी में कितना खास है, कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। कितनी आसान सी चीज होती है ना कि आप रोज एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करें, एक दूसरे को आई लव यू बोलें, पर मुश्किल से कुछ थोड़े से कपल्स होंगे जो हर दिन अपने जीवन साथी को अपने प्यार का इजहार करते होंगे। हे, छोटी सी चीज, आसान सी चीज, पर फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि छोटी चीज है ना, तो ध्यान नहीं जाता। अगर आप अपनी शादी को, अपने रिश्तों को प्यार और खुशी से भरना चाहते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चीजों के साथ आपको एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। चाहे वो एक दूसरे के लिए केयर हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना हो, एक दूसरे के चेहरे पे हंसी लाना हो। अगर दुनिया के हर पति पत्नी, हर प्यार करने वाले हमेशा ये कोशिश करें कि एक दूसरे के चेहरे पे हंसी लानी है, खुशी लानी है, हमेशा बस इसी कोशिश में लगे रहें कि कैसे इसके चेहरे पे खुशी लेकर आएं, कैसे इसके चेहरे पर हंसी लेके आएं, बस इतनी सी बात जो इंसान सीख गया ना, उस इंसान से ज्यादा खुश दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। एक सर्वे में बताया गया, दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग खुश होते हैं जिनके रिश्ते सक्सेसफुल होते हैं, जो अपनी शादी में, अपने प्यार में सक्सेसफुल होते हैं। और प्यार और शादी उन्हीं का ही सफल माना जाता है जो एक दूसरे को खुशी देते हैं, जो एक दूसरे को अटेंशन देते हैं, जो एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार देते हैं।